हेलो फ्रेंड, दिस इज़ ज्ञान सिंह। वेलकम टू द लेट सपोर्ट। तो आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो आज हम लोग देखने चल रहे हैं आपके RPSC लेक्चरर स्कूल एजुकेशन यानी PGET टीचर की नई वैकेंसी आ चुकी है और काफ़ी ठीक ठाक पोस्ट देखने को मिल जा रहे हैं। लगभग 2200 प्लस पोस्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इसी के बारे में हम लोग पूरी डिटेल में चर्चा करने वाले हैं, RPSC द्वारा कितना वैकेंसीज रिलीज करी गए हैं। तो फिलहाल के लिए यहाँ पे 2202 पोस्ट टोटल हमको रिलीज देखने को मिल जा रहे हैं और अलग अलग सब्जेक्ट के हैं। PGET टीचर की वैकेंसी होने वाली है, वो भी आपके राजस्थान स्कूल लेक्चरर में। ठीक है जी, इतनी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। और 5 नवंबर से आपका रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है, यानी कि रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। आप रजिस्ट्रेशन 4 दिसंबर तक अप्लाई कर सकते हैं, इस बीच कभी भी अप्लाई कर लीजिएगा। काफ़ी ठीक ठाक टाइम आपको 1 महीने का मिल जा रहा है, लेकिन जितना जल्दी आप अप्लाई करके अपना प्रिपरेशन शुरू कर देंगे वो आपके लिए ही काफ़ी ठीक ठाक होने वाला है। ठीक है, और एग्ज़ाम डेट अभी नहीं आई है, December 4 तक रहेगा। मान के चलिए जनवरी तक आपका ये एग्ज़ाम होने का पॉसिबिलिटीज है। ठीक, और एडमिट कार्ड जानते ही हैं, 2-3 दिन पहले 4 दिन पहले आपका आ जाता है। ठीक, अब बात आती है भाई एप्लीकेशन फ़ीस कितनी लगने वाली है। तो जो हमारे जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट होंगे और हमारे अदर स्टेट वाले भी यहाँ पे एलिजिबल होने वाले हैं। अदर स्टेट वाले जो होंगे उनको 600 रुपीज़ पे करने होंगे और जो हमारे OBC हो गए, BC हो गए, उनको 400 रुपीज़ पे करने होंगे। ठीक है, फिर अब बात आती है SC और ST को 400 रुपीज़ पे करने होंगे। ठीक है, तो ये आपका फ़ीस क्राइटेरिया हो गई। बट यहाँ पे एक सबसे बड़ी अहम भूमिका है, आप एक बात और ध्यान में रखिएगा, करेक्शन चार्ज यहाँ जो है काफ़ी तगड़ा लगने वाला है। 500 रुपये आपके करेक्शन चार्ज हैं। तो बस फॉर्म फिल करते वक्त गलतियाँ कोई भी ना करिएगा, पूरे वीडियो देखिए, और नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करके जाइएगा। और अगर कोई भी दिक्कत आती है फॉर्म फिलिंग में तो प्लीज़ एक बार ज़रूर कॉमेंट कीजिए। ठीक है, मैं आपकी पूर्णतः मदद करूँगा। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पर हम भी इसी तरीके से कॉन्टेंट अपलोड करते रहते हैं। ठीक है, इतनी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। करेक्शन चार्ज आपके 500 रुपये लगने वाले हैं और आप इसके पोर्टल पे जाके डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग और UPI के थ्रू अपने एप्लीकेशन फॉर्म के फीस को आप आसान तरीके से पे कर सकते हैं। ठीक है, ये बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। आगे बढ़ते हैं, आगे जो है हमारा टोटल वैकेंसीज जो होंगी 2202 पोस्ट टोटल देखने को मिल जा रही हैं। और यहाँ पे एज लिमिट क्राइटेरिया जो है, एज लिमिट हमारा आपको पता ही होगा, मिनिमम एज क्राइटेरिया आपको 21 साल है, मैक्सिमम जो होगा 40 साल। बट आपके RPSC लेक्चर स्कूल लेक्चरर कुछ रूल के हिसाब से आपको कुछ एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाता है। जैसे कि हमारे OBC कैटेगरी के जो भी कैंडिडेट होंगे इनको 3 साल का एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाता है। SC और ST जो होंगे इनको 5 साल का एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड करा जा रहा है। बट वहीं पर हमारे जो फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट होंगे यानी डिसेबिलिटी वाले, उनको 10 साल का एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड करा जा रहा है। तो जो भी एज रिलैक्सेशन का लाभ उठाना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमारा क्या है, लेक्चरर स्कूल एजुकेशन PGET टीचर की वैकेंसी होने वाली है। टोटल 2202 पोस्ट होने वाले हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको मास्टर डिग्री किसी भी रिलेटेड सब्जेक्ट से, जिस सब्जेक्ट से आप भर रहे हैं, और अभी कौन कौन सब्जेक्ट यहाँ पे है और कितने पोस्ट हैं वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो देख के जाइएगा, तभी आपको चीज़ें समझ में आने वाली है। तो जैसा कि आप जान पा रहे होंगे, मास्टर डिग्री इन रिलेटेड सब्जेक्ट आपके पास BEd या DLED डिग्री होनी ही चाहिए। ठीक है, आपके पास जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसमें आपका मास्टर डिग्री और आपका BEd डिग्री आपके पास होना चाहिए, तब जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी, इतनी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। और हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग है, आप जो जिस सब्जेक्ट से भरना चाहते हैं भर सकते हैं। तो जैसा कि यहाँ सब्जेक्ट वाइज अगर बात करें तो यहाँ पे हिंदी है, इंग्लिश है, संस्कृत है, राजस्थानी है, पंजाबी है, उर्दू हो गया, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, सोशोलॉजी हो गया आपका, फिर होम साइंस आता है, केमिस्ट्री आता है, फिजिक्स आता है, मैथ आता है, बायोलॉजी आता है, कॉमर्स आता है, ड्राइंग आता है, म्यूजिक आता है, फिजिकल एजुकेशन आ गया, कोच रेसलिंग हो गया आपका, कोच खो खो हो गया, कोच हॉकी हो गया, कोच का फुटबॉल हो गया। तो ये डिफरेंट डिफरेंट आपके पोस्ट देखने को आपको मिल जा रहे हैं। तो आप जिसमें अप्लाई करना चाहते हैं देख सकते हैं, और हमने लिंक सारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है जहाँ से आप अप्लाई कर पाएंगे। नोटिफिकेशन का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है जिससे कि आप आसान तरीके से जाके अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार अप्लाई करने से पहले फॉर्म को ज़रूर फिल करने से पहले सारी चीज़ों को अच्छे से पढ़ लिया करिए, क्योंकि आपके लिए ही फ़ायदा होने वाला है। मैं तो सारी चीज़ें आपको बताता ही रहता हूँ, और जो चीज़ें ना समझ में आया करें बस आप सिंपली आप एक छोटा सा कमेंट करना है, कमेंट को मैं आपको रिप्लाई देता ही रहता हूँ, सारी चीज़ें अच्छे से देखने का प्रयास करता रहता हूँ। तो आप फॉर्म फिलिंग के वक्त आपको OTR करना होगा। OTR जो होता है 1 टाइम रजिस्ट्रेशन होता है, जो कि सबको करना जरूरी होता है। ठीक है, और कुछ नॉमिनल फीस होगी। और यहाँ पे अब हम बात करते हैं, हमारी आती है स्कीम एंड सिलेबस ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पोस्ट
स्कूल लेक्चरर की, ठीक है। तो यहाँ पे जो होंगे आपके 450 नंबर का होने वाला है, द एग्जाम सेल कैरी 450 मार्क्स। देयर विल बी टू पेपर, पेपर फर्स्ट जो होगा 150 नंबर का होगा, पेपर सेकंड जो होगा 300 नंबर का होगा। और ड्यूरेशन ड्यूरेशन ऑफ पेपर फर्स्ट विल बी 1.5 आवर, यानी 1.5 घंटे का पेपर फर्स्ट होगा। और जो पेपर सेकंड होगा वो 3 घंटे का होने वाला है, सब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे। और यहाँ पे निगेटिव मार्किंग भी रहने वाली है, एवरी रॉन्ग है 1/3 आपका क्या है निगेटिव मार्किंग होने वाला है। तो आप इस बात को ध्यान में रखिएगा, एक बार मैं फिर से आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। टोटल आपके 450 क्वेश्चन मार्क के होने वाले हैं, 150 मार्क का पहला पेपर होने वाला है और पेपर सेकंड जो होगा 300 नंबर का होने वाला है, यानी टोटल हर एक क्वेश्चन पे एक नंबर मिलने वाला है आपको, ठीक है। और अगर आपने गलती कर रही है तो निगेटिव मार्किंग आपका यहाँ पर देखने को मिल जा रहा है, 1/3 आपका क्या है निगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिल जा रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपके इस नोटिफिकेशन में दिया हुआ है, आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो एक बार देख लीजिएगा। अगर पेपर फर्स्ट की बात करें, पेपर फर्स्ट में जनरल स्टडीज होगा जो कि 1.5 घंटे का होगा, जिसमें का आपका हिस्ट्री ऑफ राजस्थान एंड इंडियन हिस्ट्री एंड स्पेशल एम्फेसिस ऑन द इंडियन नेशनल मूवमेंट से आपके क्वेश्चन बनेंगे। और दूसरा क्या है मेंटल एबिलिटी होगा, जिसमें मेंटल एबिलिटी टेस्ट होगा, स्टैटिक्स सेकेंडरी लेवल का होगा, मैथमेटिक्स सेकेंडरी लेवल का होगा, लैंग्वेज एबिलिटी टेस्ट जिसमें आपका हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं। फिर बात आती है आपका थर्ड जो होगा वो करेंट अफेयर से पूछे जाने वाले हैं, और फोर्थ है जनरल साइंस, इंडियन पॉलिटी, ज्योग्राफी एंड राजस्थान से आपके पूछे जाएंगे, ठीक है। फिर आता है पांचवा टॉपिक जो है आपका एजुकेशनल फिजियोलॉजी हो गया, एजुकेशनल मोमेंट हो गया, एजुकेशनल सिनेरियो इन राजस्थान हो गया, राइट ऑफ चिल्ड्रेन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009 से आपके क्वेश्चंस बनने वाले हैं। ये आपका पेपर फर्स्ट होगा जो कि जनरल स्टडीज से सारे क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। फिर बात आती है पेपर सेकंड, पेपर सेकंड जो होगा जिस सब्जेक्ट को आपने ऑप्ट किया है, यानी जिससे कि आपने मास्टर डिग्री हासिल की हुई है, उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट कंसर्ट सीनियर सेकेंडरी लेवल के आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दूसरा है आपका जिस सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन लेवल का पूछा जाएगा। फिर थर्ड जो होगा थर्ड टॉपिक में आपके पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक का पूछा जाएगा। फिर आपका पेडागोजी हो गया, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स हो गया, यूजिंग ऑफ कंप्यूटर एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन टीचिंग लर्निंग हो गया। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी ही होगी, और अगर इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी लेना होगा तो आप एक बार कमेंट कर दीजिएगा। वैसे हमने लिंक सारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हुआ है, जाके आप कर सकते हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है मुझे और कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, एक बार नोटिफिकेशन डाउनलोड कीजिए और अच्छे से देखिए, और कोई भी दिक्कत होती है तो आपका भाई पूरी मदद करने के लिए प्रयास करेगा। और ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ से आप रजिस्टर कर सकते हैं, सिंपली यहाँ पर रजिस्टर हियर पर क्लिक करेंगे, हमने लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। रजिस्टर हियर पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे अगर आप राजस्थान के हैं तो आप जनरल आधार पे क्लिक करिए, और नहीं तो अगर आप राजस्थान के नहीं हैं तो सिंपली आप गूगल पे करके आप आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो हम आपको बता देते हैं, आप वहाँ पे आगे बढ़िए, और कोई दिक्कत होती है अप्लाई करने में तो आपकी पूरी मदद करी जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप अप्लाई कीजिए, वहाँ पे जो भी मांगा जाता है उसको फिल करिए, आपका फ़ोटो सिग्नेचर लगने वाला है, और 10th 12th आपका ग्रेजुएशन की मार्कशीट और पोस्ट ग्रेजुएशन की मार्कशीट लगने वाली है, और फोटो सिग्नेचर को एकदम क्लियरली अपलोड कीजिएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जानकारी अगर आपको समझ में आ गई हैं प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिए, और नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि हम लोग इसी तरीके से आपके गवर्नमेंट और प्लस आपके प्राइवेट जॉब से रिलेटेड और कंप्यूटर से रिलेटेड सारी चीज़ों को अपडेट करते रहते हैं। तो चलिए फिलहाल के लिए हम लोग मिलते हैं अगले एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए ग्रेट डे, थैंक यू सो मच। और जानकारी पसंद आई है तो चैनल को जरूर